नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ये सभी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना स्कोर बना सकते हैं और खुद को चेक कर सकते हैं कि जीएस में आप कितने स्ट्रांग हैं और कितने वीक हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, ये बुक है घटना चक्र, और ये पीडीएफ भेजा है मुझे अर्चित साहू ने, जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित। पहला क्वेश्चन, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या लाभ होता है? इसका लाभ होता है दृढ़ राज्य, मजबूत राज्य। इससे संबंधित फैक्ट आप पढ़ सकते हैं कि शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम का बहुत नजदीक है, एग्जाम आपके आने वाला है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, उसको मैक्सिमम कई बार रिवाइज करके देखें, एक ही क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एसएससी मैक्सिमम पुराने क्वेश्चंस को ही रिवाइज करता है, प्रीवियस पेपर में से ही क्वेश्चंस उठाता है, वहीं से कॉपी करता है और नए पेपर डिजाइन करता है। तो इसलिए मैक्सिमम बच्चे पुराने जो पेपर होते हैं, बुक होते हैं, ऐसी बुक जिसमें मतलब कि पुराने क्वेश्चंस होते हैं उसी पर फोकस करते हैं। ये एक बुक है घटना चक्र की, जिसमें सभी क्वेश्चंस एसएससी के क्वेश्चंस रखे गए हैं, और इस बुक का मैं लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं चाहें तो। अदरवाइज आप वीडियो के माध्यम से भी अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपके कोई मार्केट नियर में है तो आप वहाँ मार्केट से भी परचेस कर लीजिए, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा करिए। टारगेट ये है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें, एग्जाम में अपना सिलेक्शन जल्द से जल्द ले। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किस देश का अलिखित संविधान है, किस देश का जो संविधान है वो क्या है अलिखित? ए बी सी डी, चार ऑप्शन, यूएसए, यूके, पाकिस्तान और भारत। इसका राइट आंसर है यूके। यूके, ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। हाईलाइट जो करा गया है ग्रीन पेन से, तो प्लीज उस पर फोकस करिएगा, नोट्स केवल में यही लिखिएगा यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान क्या है लिखित हैं। बाकी जो ऑप्शंस होंगे एग्जाम में वो सब क्या होंगे अलिखित होंगे, आपको केवल लिखित याद करना है कि किस किस का संविधान लिखित है। देखिए, जैसे कि आपको अगर पता होता पहले से कि हाँ यूएसए का लिखित है, पाकिस्तान का लिखित है, भारत का लिखित है और यूके का क्या है अलिखित, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर पता होता है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो संविधान सभा जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। जो भी ग्रीन से हाईलाइट है प्लीज, मैं अगेन बोल रहा हूँ, केवल उस पर फोकस करिएगा, बातों जो बाकी की जो बातें हैं वो मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप वो सब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता, शायद कंफ्यूज होने का आपका चांस बढ़ जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। पहली जो बैठक हुई थी, कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लेता है कि संविधान सभा की जो प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बस इतना ही रखिए ध्यान आप लोग, 9 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए या फिर चुने गए। ठीक है, हमसे एग्जाम में पूछता है अस्थायी मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समता पाई जाती है किसमें? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7, धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्म निरपेक्ष, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 की, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है, मतलब संबंधित है। तो किस किस से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इसका राइट आंसर है डी। आप देख चुके हैं इसका राइट आंसर क्या है, इसका डी है। और इसके बारे में आप चाहो तो नीचे बेसिक डिटेल पढ़ सकते हैं, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? अगर हमको लोकतंत्र के आदर्शों को रीड करना है, देखना है, तो हम कहाँ पे देखेंगे? ये हम देखेंगे प्रस्तावना में, ठीक है? प्रस्तावना में पूरा कंप्लीटली लोकतंत्र के आदर्श जो है उसको दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, संविधान की प्रस्तावना, इसको हम बोलते हैं प्रियम्बल, में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप से घोषित करा गया है? किस रूप में संविधान को या भारत को दिखाया गया है? तो इसमें कहा गया है, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। जो भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस अगर आपका यूपीपीएससी का एग्जाम है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एमपी हो, झारखंड हो या फिर कोई अदर स्टेट का ना हो, तो ये क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा जाता है। और एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है? प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको सभी अच्छे से याद करने हैं। इस वीडियो को 2 बार वॉच करिएगा, ठीक है? इस वीडियो को आप 2 बार वॉच करेंगे और सबके सब आंसर आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय गणतंत्र के यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? ये थी प्रभु सत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है निष्ठा या फिर सी गरिमा। दोनों वर्डों का प्रयोग इसमें करा गया है, दोनों का ही वर्ड वर्ड का प्रयोग 1976 के माध्यम से नहीं हुआ था, लेकिन एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन दिए इसमें, ठीक है? तो अब हम किसमें किसको अपना राइट आंसर मानेंगे, सवाल ये उठता है। तो अगर आपको डाउट हो किसी दो में, तो एक ना एक क्वेश्चन, एक ना एक ऑप्शन आप जरूर चूज करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप खाली छोड़ के आ जाए। कभी कभी होता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, उसका नंबर आपको मिल जाता है। मिलता कब है? मिलता उस कंडीशंस में है जब आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे, जब आप रिस्क लेंगे थोड़ा एग्जाम में, ठीक है? अब आपको बिल्कुल नहीं पता और आपने छोड़ दिया, ठीक है? तो अगर डिपार्टमेंट एसएससी जो कमीशन है वो ये डिसाइड करता है कि सबको एक एक नंबर मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा जिसने अटेम्प्ट करा होगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? तो ये याद रखना आप लोगों को, अगर आप श्योर हैं किसी दो ऑप्शंस में तो एक ऑप्शन जरूर टिक लगा के आना। वैसे भी रिस्क थोड़ा सा है, 50-50, तो रिस्क ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बट ऐसा मत करना कि चारों में आपको डाउट हो तो आप बस तुक्के मार के आ रहे हैं, तो ऐसे नेगेटिव मार्किंग बहुत बन जाती है और फाइनल कट ऑफ बच्चे टच नहीं कर पाते। तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो है प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? समाजवादी जो है ये प्रस्तावना में शामिल नहीं करा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों सेम से ही हैं, आप इसको पढ़िए देखिए। किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? इसका जो आंसर है वो होगा डी संघीय, ठीक है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, भारत के संविधान संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ये हुआ है संविधान में कहीं भी नहीं।
दोनों ही एक दूसरे से ज्वाइंट है, कहना कि आप ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को पॉज करिए, खुद पढ़िए और इस पर विचार करिए, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, कितनी बार इसमें चेंज करा जा चुका है, ये करा जा चुका है एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो रेड कलर से अंडरलाइन कर रखा है, केवल उस पर फोकस करेंगे आप। उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन कौन से वर्डों को ऐड करा गया था, उनका नाम क्या, उनका नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किसका, वयस्क मताधिकार का। क्वेश्चन नंबर 18 कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, किसमें, उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान में संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। कौन से अनुच्छेद में भारत या इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है क्या, इंडिया जो है वह है राज्यों का संघ। इंडिया जो बना है किससे बना है, राज्यों से मिलकर बना है, तो मिलने को क्या बोलते हैं, संघ, तो यह है राज्यों का संघ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, ये कहा गया है राज्यों का संघ। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 99 में पूछा गया है एग्जाम में एमटीएस की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में, 2000 में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। जिस किसी बच्चे का एमटीएस का एग्जाम है या फिर जिसका टारगेट है एसएससी सीजीएल का, तो वो ये सभी क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। 23 शक्तियों का विभाजन, बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, सरकार का संघीय स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है भारत में, इंडिया की बात कर रहा है तो इंडिया में कितने हैं, 7। कौन कौन से, यह है दिल्ली, पौंडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन वे द्वीप तथा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 27 समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, तो उसका राइट आंसर है आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27 से पहले 26 लिख लेते हैं। देखिए भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, उपराज्यपाल के द्वारा। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, 27 में हमसे बोला है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार, और जो हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से वो भी आप देख लीजिए, आर्टिकल 21 में ये बात आती है जीवन के अधिकार से संबंधित। 28 निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल करे गए थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय नागरिक के मौलिक संविधान में शामिल करा गया है, मौलिक कर्तव्यों में शामिल करा गया है। ये जो संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1976 में, और इस संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद। कर्तव्य टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए ये लोग हमारे 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं पूछे एग्जाम में, तो ये है 11। संशोधन कब हुआ था, 2002 में, ये कौन सा संशोधन था, ये था 86वां 86 संविधान संशोधन, और ये कौन से वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान लागू हुआ था कब, ये आप सभी को पता होगा, मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ, 1950 ईस्वी को। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और जो भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम एसएससी का आने वाला है, तो प्लीज उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कोई भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं, आपके हर राय का
मैं वेलकम करता हूँ, हर एक को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपनी राय मुझे भेज सकते हैं। और एक सूचना और कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में जुड़ना चाहते हैं, एक एडुकेटर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसको किसी को भी अच्छे तरह से समझा सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी unnatyclassesucc@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप काफ़ी स्ट्रांग हैं उसकी डिटेल आप हमको भेज सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं तो उसका जिक्र भी अपना आप मेल में कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय, अलविदा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।